हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड देखिए, हमारे पास ये होंडा शाइन एसपी आए हैं और इसका प्रॉब्लम है। देखिए, इसका गियर लीवर जो है, जब हम गाड़ी को गियर में डाल रहे हैं तो हमारा गियर लीवर जो है ये ऊपर नहीं आ रहा है, नीचे गिर रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है फ्रेंड, इसमें गाड़ी कितना गियर में चल रहा है पता नहीं हो रहा है और फ्रेंड गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। तो गाइस, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कीजिएगा वो मैं क्लियरली आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड देखिए, अभी हम इसका जो किक लीवर है इसको हम ओपन कर रहे, उसके बाद इसका जो क्लच कवर है उसको भी ओपन करेंगे। तो फाइनली गाइस देखिए, हमारा जो क्लास का बार है ये पूरी तरह से ओपन हो चुके हैं। देखिए तो फिर देखिए, अभी जो इसका जो बैलेंस का जो 3 स्क्रू है इसको हम ओपन करेंगे और बैलेंस को भी ओपन करना पड़ेगा आपको, और क्लास हाउसिंग जो है इसको आपको बाहर निकालना पड़ेगा। तो फ्रेंड देखिए, हमारा जो क्लच हाउसिंग जो है ये पूरी तरह से ओपन हो चुके हैं। अभी इसका जो गियर लीवर है इसको हम ओपन कर रहे हैं देखिए, और उसके बाद गियर शाफ्ट जो है इसको आपको बाहर निकालना है। तो उसको हम थोड़ा पुश करेंगे यहाँ से देखिए, और इस साइड से देखिए, हमारा जो गियर शाफ्ट है ये बाहर आ चुके हैं। और यहाँ पर देखिए, जो स्प्रिंग है देखिए यहाँ पर टूट गया। देखिए ये स्प्रिंग टूटने के कारण हमारा जो गाड़ी का जो प्रॉब्लम है, ये गाड़ी कितना गियर में चल रहा है और इसका गियर लीवर जो है ये नीचे की तरफ से ऊपर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में हमको स्प्रिंग जो है इसको आपको पहले ओपन करना पड़ेगा। तो फ्रेंड देखिए, ये स्प्रिंग टूटने के कारण हमारा जो गाड़ी का जो प्रॉब्लम है ये स्प्रिंग के लिए हो रहा था। तो फ्रेंड इसको आपको नया लगाना पड़ेगा। तो उससे पहले आपको स्प्रिंग जो है इसको आपको लॉक जो है इसको ओपन करना पड़ेगा। तो फाइनली गाइस देखिए, हम इस लॉक को ओपन कर रहे हैं देखिए, और फ्रेंड देखिए हमारा लॉक भी ओपन हो गया देखिए। और अभी हमको स्प्रिंग को ओपन करना है। फ्रेंड देखिए, हम स्प्रिंग को ओपन कर चुके हैं और यहाँ से स्प्रिंग टूट गया। फ्रेंड देखिए, इसके कारण हमारा गाड़ी का जो गियर है ये प्रॉब्लम हो रहा था, और इसको हम अभी नया लगाएंगे। तो फ्रेंड देखिए, कोई मैकेनिक सर शाफ्ट चेंज करता है, लेकिन आप शाफ्ट मत चेंज कीजिए। इसका स्प्रिंग अलग से मिलता है और इसको आप सिर्फ स्प्रिंग को चेंज कीजिए। तो फ्रेंड देखिए, ये स्प्रिंग हमारा नया है, इसको लगाने का जो तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए फ्रेंड, पहले आपको स्प्रिंग को इस तरफ से डालना पड़ेगा देखिए, और उसके बाद एक नोज प्लास की मदद लेना पड़ेगा आपको। इस तरह पकड़ के आपको इसका ऊपर से देखिए यहाँ पे घुसाना पड़ेगा आपको। तो फाइनली फ्रेंड देखिए, हमारा स्प्रिंग पूरी तरह से बैठ चुके हैं, और एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए। और फाइनली गाइस देखिए, हमारा जो लॉक है इसको भी आपको पहले लगाना पड़ेगा। तो फ्रेंड देखिए, लॉक भी हम लगा चुके हैं, और स्प्रिंग के लिए हमारा गियर की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। और ये वाशर को डाल के आपको शैफ्ट को अंदर में डालना है देखिए, और हम डाल दिए हैं देखिए। और फ्रेंड शैफ्ट को इस तरह पुश करना पड़ेगा आपको। तो फाइनली फ्रेंड, हमारा जो शैफ्ट है ये पूरी तरह से बैठ चुके हैं। तो फ्रेंड वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप अगर मेरे चैनल में नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।